Episode 79, The Valentine Day. वहीं अगली सुबह। आज की सुबह बाकी रोज के दिन से बेहद अलग है। मौसम बहुत खुशगवार है। हल्की हल्की मतवाली सी हवाएं बह रही हैं। इन हवाओं में भी जैसे इश्क की महक खुली हुई है, क्योंकि आज का दिन बेहद बेहद खास है। इश्क करने वालों का दिन है आज। आज वैलेंटाइंस डे है, एक ऐसा स्पेशल दिन जब हर प्रेमी अपने प्रेम को अपना बना लेना चाहता है। मिहिर आज और दिनों के मुकाबले में ज्यादा खुश है और खिड़की पर खड़ा ताजी हवाओं को महसूस कर रहा है और कॉफी का कप पकड़े हुए वो खिड़की से बाहर देखता जा रहा है। गर्म कॉफी और ठंडी हवा दोनों एक दूसरे को मुकम्मल कर रहे हैं। साथ ही रेडियो पर गाना बज रहा है। नहीं सामने ये अलग बात है, नहीं सामने ये अलग बात है, मेरे पास है तो मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे साथ है। तभी एक हल्का ठंडी हवा का झोंका आया और मिहिर ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो एक ख्याल में डूब गया। एक मीठा खूबसूरत सा ख्याल। मुग्धा उसकी बाहों में है और वो मुग्धा की गर्म सांसों को भरपूर जी रहा है। मुग्धा उसके होठों से खेल रही है। मिहिर उस वक्त जो कॉफी पी रहा है उसे अचानक से वो कड़वी कॉफी मीठी लगने लगी। कॉफी का टेस्ट बदला हुआ लगने लगा। वहीं उसके ख्यालों के पन्नों में मौजूद मुग्धा उससे कह रही है, मिहिर हमेशा मेरे पास रहना, चाहे कुछ भी हो मेरा साथ मत छोड़ना। वही मिहिर बोलता जा रहा है, कभी नहीं, मेरी धड़कनों में बची आखिरी सांस तक मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। वही नीचे मिहिर के घर का बेल बजा और जब रतन मामा ने गेट खोला तो उन्हें अपने सामने बहुत सालों बाद एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया और रतन उस चेहरे को देखकर हैरान रह गए। ये विवान है जो इस वक्त मोहित के साथ वहाँ आया हुआ है। दोनों ने रतन मामा को सबसे पहले नमस्ते किया। रतन मामा ने हैरानी से कहा, विवान? वही विवान ने कहा, जी अंकल नमस्ते। रतन मामा ने पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? विवान ने कहा, क्यों अंकल, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? रतन ने कहा, अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है, अचानक इतने सालों बाद देखा ना। विवान ने सफाई देते हुए कहा, अंकल जिन गलतफहमियों ने मुझे और मिहिर को दूर कर दिया था, अब वो गलतफहमियां हमारे बीच से दूर हो गई हैं। रतन अभी भी हैरानी से विवान की बातें सुनते जा रहे हैं। विवान ने आगे कहा, मैं आपको आराम से सारी बात समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ आपसे एक परमिशन लेने आया हूँ। रतन ने यह सुनकर कहा, परमिशन? हाँ हाँ बोलो बेटा। विवान ने कहा, अंकल आज वैलेंटाइन डे के दिन मैंने खास अपने सभी दोस्तों के लिए अपने घर पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है और उसमें मिहिर को भी आना ही होगा। लेकिन कहाँ है मिहिर? रतन ने कहा, मिहिर तो ऊपर अपने कमरे में है। ये सुनते ही विवान मिहिर के कमरे में चला गया। इस बात पर रतन मामा थोड़ा और फील करने लगे। रतन की फीलिंग को समझते हुए मोहित ने कहा, आई नो अंकल आप मिहिर को लेकर फिक्रमंद है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, हम सब है ना। रतन ने मोहित से कहा, ठीक है बेटा, लेकिन मिहिर का ख्याल रखना। तभी मोहित ने भी कहा, जी अंकल मेरे होते हुए मिहिर को कोई छू भी नहीं सकता। वही मिहिर को अपने कमरे में कुछ हलचल सुनाई दी। उसने देखा सामने विवान और मोहित खड़े हुए हैं। रतन मामा ने मिहिर की ओर देखते हुए कहा, अगर मिहिर इस पार्टी में जाना चाहता है तो वो जा सकता है, मैं नहीं रोकूंगा। विवान ने मिहिर की तरफ देखते हुए कहा, यार मिहिर तुझे आना होगा, शाम को देर मत करना, जल्दी आ जाना, पार्टी शाम 7 बजे से है। वही मिहिर ने विवान से कहा, यार मैं नहीं आ पाऊंगा। ये सुनकर विवान को एक झटका सा लगा। वो मिहिर की तरफ एक टक देखने लगा। विवान ने मिहिर की तरफ देखते हुए कहा, इसका मतलब तूने मुझे अभी तक माफ नहीं किया, आज भी तू अपने दिल में वही रंजिश लिए बैठा हुआ है, इसलिए तू मेरी पार्टी में आना नहीं चाहता है, यही बात है ना? मिहिर ने कहा, नहीं वो बात नहीं है। तभी मोहित बीच में बोल पड़ा, अरे यार मिहिर सब लोग आ रहे हैं पार्टी में, तुझे तो आना ही पड़ेगा, तू नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा यार। जूही, मोना, समीर, रितु, मुग्धा। मुग्धा नाम पर आखिर में उसने ज्यादा जोर देकर
मिहिर की ओर देखा। विवान ने मिहिर की ओर देखते हुए कहा, मिहिर तुझे तो आना ही पड़ेगा, आखिर में मिहिर भी इस पार्टी में जाने के लिए मुग्धा नाम पर। आखिर में उसने ज्यादा जोर देकर मिहिर की ओर देखा। विवान ने मिहिर की ओर देखते हुए कहा, मिहिर तुझे तो आना ही पड़ेगा, आखिर में मिहिर भी इस पार्टी में जाने के लिए मान ही गया। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। इतना कहकर मिहिर ने विवान की ओर देखा। वहीं विवान और मोहित ने जाते हुए कहा, अंकल जी नमस्ते, हम लोग आते हैं फिर। इतना कहकर दोनों वहां से फिर चले जाते हैं। वहीं शाम का वक्त है, खूबसूरत सा माहौल है, हर तरफ रोशनी की चकाचौंध है। पार्टी का माहौल विवान के मेंशन से दूर दूर से नजर आ रहा है। विवान का मेंशन बेहद आलिशान है। जितना खूबसूरत विवान का मेंशन है, उतनी ही ज्यादा खूबसूरती से आज की शाम मेंशन को सजाया गया है। वहीं कई सौ मीटर की दूरी तक पेड़ों पर भी खूबसूरत लाइटिंग्स लगी हुई है, जिसे देखकर आंखें भी रोशनी से भर जाती हैं। हर तरफ बलून्स लगे हुए हैं। बड़े से गेट को भी लाइट से सजाया गया है। उस गेट से एक के बाद एक बड़ी बड़ी गाड़ियां बड़े से कोर्टयार्ड में दाखिल होती जा रही हैं। सभी बड़े बड़े घर के लोगों को गेस्ट के तौर पर आज यहां बुलाया गया है। वहीं विवान महंगे टक्सीडो में एक एक करके सभी गेस्ट की मेहमान नवाजी कर रहा है। वो बेहद हैंडसम लग रहा है और उसके चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही है, जैसे कि उसे किसी खास लम्हे का इंतजार हो। वहीं मेंशन के आगे बड़े बड़े अक्षरों में हैप्पी वैलेंटाइन डे लिखा हुआ है और उसके साथ हार्ट शेप में बैलून्स भी वहां लगे हुए हैं और लाल गुलाब से हर तरफ डेकोरेशन किया गया है। कहीं कोई कमी नहीं है आज के इस खूबसूरत दिन को और ज्यादा खास बनाने के लिए। तभी एक ब्लैक और एक व्हाइट विंटेज कार आकर मेंशन के गेट से दाखिल हुई और जहां पहले से कोर्टयार्ड में कई सारी गाड़ियां खड़ी हैं, ठीक वहां आकर रुकी और व्हाइट कार में से सबसे पहले थापा बाहर निकला और उसने कार का पिछला गेट खोला। उसमें से पृथ्वीराज और माया बाहर निकले। वहीं ब्लैक विंटेज कार की ड्राइविंग सीट से समीर बाहर निकला और एक एक करके सभी बाहर आने लगे। सभी लोगों ने आलिशान कपड़े पहने हुए हैं। पृथ्वीराज अपनी उम्र से ज्यादा नौजवान लग रहे हैं। वहीं समीर हमेशा की तरह खुश मिजाज नजर आ रहा है। माया काली साड़ी में अपनी खूबसूरती को जस्टिफाई कर रही है। वहीं ऋतु सिल्वर ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही है। तभी कार से आखिर में मुग्धा उतरी। रेड गाउन में उसकी खूबसूरती बहुत कमाल की लग रही है, जैसे कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। गोरे चेहरे पर हल्का सा मेकअप, रेड लिपस्टिक, कानों में इयररिंग्स, काजल लगी बोलती आंखें, कमर तक लहराते काले लंबे बाल। किसकी आंखें मुग्धा की इस खूबसूरती पर नहीं ठहरेंगी। जैसे ही विवान ने शर्मा फैमिली को कार से उतरते हुए देखा, वो मेहमान नवाजी के लिए अपने दोस्त सैंडी और विकी के साथ आगे आया। हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय होम। वहीं अचानक से विवान की नजरें एक पल को मुग्धा की ओर देखकर ठहर गई। वो मुग्धा की इस खूबसूरती को देखता ही रह गया और मुग्धा की तारीफ करने से विवान खुद को रोक न सका। मुग्धा, यू लुकिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू। मुग्धा ने जवाब में बस हल्का सा मुस्कुराया और अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ गई। वहीं विवान मुग्धा को जाता हुआ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए विक्की से बोला, कितनी हॉट है यार ये। वहीं कुछ देर बाद बेहद ही सिंपल लुक में एक व्हाइट शर्ट, एक टाई और एक ब्लैक कोट पहने हुए मिहिर विवान के मेंशन के सामने पहुंच गया और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। उस मेंशन के बाहर से ही पार्टी का शोर शराबा सुनाई दे रहा है। अभी मिहिर कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि उसे एक सिक्योरिटी गार्ड ने टोकते हुए कहा, ए रुको, वहां कहां जा रहे हो, वेटर्स का रास्ता इस तरफ से है। ये सुनकर मिहिर को काफी एम्बैरेसमेंट फील हुई। वहीं वहां मेंशन की ओर बढ़ रहे कुछ लोग जो मिहिर को पहचानते हैं, वो ये सुनकर हंसने लगे और मिहिर का मजाक उड़ाने लगे। एक लड़के ने कहा, सच कहा है सिक्योरिटी गार्ड ने, तुम इस काले कपड़ों में वेटर ही लग रहे हो। वहीं विवान इसी हंसी मजाक को सुनते हुए अचानक से आया और उस सिक्योरिटी गार्ड को डांटने लगा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त से ऐसे बात करने की। सिक्योरिटी गार्ड ने अपना सर झुकाते हुए कहा, सॉरी सर, मैंने पहचानने में गलती कर दी। तभी बीच में मिहिर बोल पड़ा, छोड़ना विवान,
कोई बात नहीं, जाने दे। वही मिहिर की तरफ देखते हुए विवान ने कहा, चलो मिहिर मेरे साथ पार्टी में, सब लोग आ गए हैं। अब जाकर मिहिर कुछ इजी फील करने लगा। मिहिर उतना अमीर नहीं है और वो खुद भी अपनी हालत जानता है। वही मिहिर आज अपने रतन मामा का सूट पहनकर इस पार्टी में आया हुआ है। वही पार्टी में पहुंचते ही मिहिर की नजरें एक खास चेहरे को तलाशने लगी हैं। और जैसे ही उसकी आंखों की तलाश पूरी हुई, वो चेहरा ठीक उसके सामने मौजूद है, जैसे कि उसके लिए ही वो चेहरा वहां हो। मुग्धा का चेहरा, खूबसूरती का नूर। मुग्धा के चेहरे को देखते ही मिहिर की निगाहें एक पल को ठहर गई। मिहिर मुग्धा को उस रेड ड्रेस में देखता ही रह गया, क्योंकि मुस्कुराती हुई मुग्धा रेड ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही है। उसके होठों की स्माइल इतनी प्यारी है कि मिहिर मुग्धा के होठों की मुस्कुराहट बन जाना चाहता है। मुग्धा की आंखों में एक ऐसी कशिश है जो उसे अपनी ओर बुला रही है। मुग्धा ने भी जब मिहिर को उसे देखते हुए देखा तो वो थोड़ा सा शर्मा गई और नजरें झुकाकर अपनी मुस्कान दबाने लगी। फिर मुग्धा सीधे मिहिर के पास आई और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। वही मिहिर के करीब बढ़ते हुए मुग्धा को देखकर पृथ्वीराज और माया ने एक दूसरे की आंखों में देखा। वही मुग्धा ने मिहिर की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी निगाहें ना जाने कब से तुम्हें ही ढूंढ रही थी, अब जाकर मेरी निगाहों की तलाश पूरी हुई। वही मिहिर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तो यहाँ आया ही तुम्हारे लिए हूँ। अगले ही पल अपने कोट के अंदर से एक लाल गुलाब का फूल निकालते हुए मिहिर ने कहा, मुग्धा दिस इज फॉर यू, हैप्पी वैलेंटाइंस डे माय लव। जितना खूबसूरत ये गुलाब है, तुम इस गुलाब के फूल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर मुग्धा मिहिर की तरफ देखकर मुस्कुराती है और प्यार से कहती है, मिहिर आई लव यू सो मच, हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू। मिहिर मुस्कुराया। वही मुग्धा ने मिहिर को देखते हुए कहा, मिहिर यू नो थैंक गॉड कि पापा ने अपना रिस्ट्रिक्शन हटा लिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कैजुअल हो जाओ, प्लीज तुम अपना ध्यान रखना, सेफ रहना। तभी मिहिर ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। मिहिर की बात को पूरा करते हुए मुग्धा ने कहा, मिहिर मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ, मेरा नाम मिहिर है और तुम मुग्धा हो, हम दोनों एक दूसरे को मुकम्मल करेंगे, तुम्हारा वजूद मुझसे है और मेरा वजूद तुमसे, क्योंकि प्यार में ऐसा ही होता है। मिहिर ने हामी में अपनी नजरें झुका ली और दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले पार्टी को एंजॉय करने लगे। वहीं एक तरफ सारे वेटर्स ड्रिंक सर्व कर रहे हैं और विवान सभी को इस पार्टी का लुत्फ उठाने के लिए कह रहा है। और तभी मुग्धा और मिहिर के पास पहुंचकर विवान ने कहा, तुम दोनों को साथ में देखकर कितना अच्छा लग रहा है मुझे, शायद दो सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग ऐसे ही दिखते हैं, इतने प्यारे। मिहिर विवान की इन बातों को सुनकर हैरान हुआ जा रहा है, क्योंकि मिहिर को वाकई में विवान की इतनी मेहरबानी के पीछे की वजह समझ में नहीं आ रही, क्योंकि विवान पूरी तरह से बदला हुआ लग रहा है। वही मोना जो ना जाने कब से विवान के इस रवैये को ऑब्जर्व कर रही है, उसने भी मिहिर के पास आकर कहा, मिहिर क्या तुझे नहीं लग रहा ये विवान तुझ पर बहुत ज्यादा मेहरबान हो रहा है, आखिर कोई तो वजह होगी इसके पीछे, वैसे तुम विवान की पार्टी में कैसे आए, तुम्हें इस पार्टी में आने की जरूरत ही क्या थी। मिहिर ने मुग्धा की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, मैं तो यहाँ सिर्फ मुग्धा के लिए आया हूँ। मुग्धा ये सुनकर मिहिर की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। वहीं माइक संभालते हुए विवान ने अनाउंसमेंट किया, दोस्तों ये कैसी बोरिंग सी पार्टी हो रही है, कम ऑन गाइस, कम ऑन गर्ल्स, लेट्स डांस, हैव सम फन, एंजॉय दिस इवनिंग। ये सुनते ही पार्टी में जैसे एक नए जोश का माहौल भर गया। डीजे म्यूजिक अरेंज करने लगा, पार्टी में हलचल और शोर शराबा पल भर में बढ़ गया। पार्टी सॉन्ग्स बजने लगे, कई सारे कपल बाहों में बाहें और कमर पर हाथ रखे एक साथ डांस करने लगे। जूही बेहद एक्साइटेड होकर समीर के साथ डांस करती जा रही है। वहीं मुग्धा मिहिर को अपने साथ उसका हाथ पकड़ कर ले जाने लगी, मिहिर यू हैव टू डांस विद मी, प्लीज कम। मिहिर ने मुग्धा की ओर देखते हुए कहा, मुग्धा नॉट अ गुड डांसर, यू नो दैट ना, फिर तुम क्यों डांस करने को कह रही हो। वहीं मुग्धा ने स्माइल करते हुए कहा, मिहिर एक बात बताओ, मैं कौन सा तुम्हें डांस कॉम्पिटिशन में डांस करने को कह रही हूँ, जस्ट ग्रूव विद मी, यहाँ कोई हमें जज करने वाला नहीं है, जस्ट डांस, मैं जैसा कहती हूँ तुम बस वैसा ही करते जाओ। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले डांस करते जा रहे हैं
और डांस करते हुए भी दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों में ही देखती जा रही हैं। और मुग्धा ने डांस करते हुए मिहिर को अपने गले से लगा लिया और दोनों जैसे एक दूसरे की बाहों में खो गए। वहीं अपने स्टेटस और क्लास के लोगों से बातें करने के दौरान भी पृथ्वीराज और माया की नजरें बराबर से मुग्धा के इर्द गिर्द ही घूमती जा रही है। जैसे ही मुग्धा और मिहिर एक दूसरे के करीब आए, उनकी नजरें मिहिर और मुग्धा पर ही जाकर ठहर गई। वहीं मेंशन को बेहद ही खूबसूरती से सजाया गया है। जहां पर इस वक्त पार्टी चल रही है वो एक बड़ा सा हॉल रूम है। हॉल के ठीक सेंटर में एक बड़ा सा झूमर लगा हुआ है जो देखने से ही बेहद बेशकीमती नजर आ रहा है। उसमें से बेहद ही आकर्षक और खूबसूरत रोशनी झिलमिला रही है जो हर थोड़ी थोड़ी देर में कलर्स बदल रही है। सबकी नजरें रह रहकर वहां की डेकोरेशन पर चली जाती है। पूरे हॉल रूम में गुलाब के फूल लगे हुए हैं और खुशबू से वहां का माहौल बेहद रूमानी हो गया है। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है, जैसे कि वो इस पार्टी में आकर पूरी पार्टी के माहौल में डूब चुके हैं। वहीं इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद और सब इंस्पेक्टर रोशन को भी विवान ने आज की इस पार्टी में इनवाइट किया है और उनके साथ ही कई सारे कांस्टेबल भी सिविल ड्रेस में वहां मौजूद है। इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद ने रोशन से कहा, रोशन जितने भी कांस्टेबल यहां आए हुए हैं उन्हें चौकन्ना रहने को कहो। सब इंस्पेक्टर रोशन ने कहा, सर आप फिक्र मत कीजिए, सब पूरी तरह से हर चीज पर नजर रखे हुए हैं। इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद ने कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई भी अनहोनी यहाँ हो, इसलिए हम सभी को अलर्ट रहना होगा। वहीं कुछ देर बाद इस वक्त मुग्धा और मिहिर बेहद खुश हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए ही बातें करते जा रहे हैं। वहीं मिहिर ने अपने हाथों में एक आइसक्रीम कोन पकड़ा हुआ है जिसे दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं, एक बाइट मुग्धा का तो एक बाइट मिहिर का। दोनों के होठों पर एक बहुत ही खूबसूरत स्माइल है। वहीं ये सब देखकर ऋतु को बहुत जलन हो रही है। उसे मुग्धा की मुस्कुराहट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। उसका मन झल्लाहट से भरता जा रहा है। वहीं जूही जो उस वक्त समीर के साथ बातें कर रही है, उसने भी समीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओ माय डॉग, वो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं मुग्धा और मिहिर दोनों एक साथ। डोंट यू थिंक दे आर मेड फॉर ईच अदर? देखो ना, एक ही आइसक्रीम शेयर करके खा रहे हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? हमें भी वैसे ही आइसक्रीम खानी चाहिए, ऐसे प्यार बढ़ता है। प्लीज जाओ, जाओ ना, एक आइसक्रीम लेकर आओ। कुछ देर बाद जब समीर आइसक्रीम लेकर आया, तब जूही बड़े प्यार से समीर को देखने लगी। जूही ने कहा, पहली बाइट मैं लूंगी। समीर ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। जूही ने जैसे ही बाइट ली, उसने सारी आइसक्रीम खुद ही खा ली और खाली कोन समीर की ओर बढ़ा दिया। खाली कोन देखकर समीर ने अपना माथा पटक लिया, तुम भी ना कमाल करती हो, ऐसा कौन करता है। ये कहकर समीर खुद भी हंसने लगा और उसके साथ ही जूही खुद भी हंसने लगी। इस ग्रैंड पार्टी में कॉलेज के सभी प्रोफेसर और प्रिंसिपल भी आए हुए हैं। सभी लोग पार्टी को अपनी अपनी तरह से इंजॉय कर रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स के लिए ये पार्टी तो एक जन्नत जैसी है। सब लोग डांस कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट जो कपल भी हैं, वो एक कोने को ढूंढ कर आपस में किस करने के बहाने भी तलाश रहे हैं। पार्टी में वेटर ड्रिंक सर्व कर रहे हैं और जैसे कि इस पार्टी में मौजूद सभी लोग मैच्योर हैं, तो आज ड्रिंक करने पर बिल्कुल भी कोई पाबंदी नहीं है। एक कॉर्नर पर अलग अलग तरह की डिशेस सजी हुई हैं और वहाँ मौजूद लोग खाने का लुत्फ भी उठा रहे हैं और पार्टी में हर तरफ बाहों में बाहें डाले इस पार्टी को इंजॉय कर रहे हैं। वहीं कुछ देर बाद एक गेम का अनाउंसमेंट हुआ। इस गेम का बेहद ही सिंपल सा रूल है। इसमें डांसिंग कपल्स को सिर्फ और सिर्फ डांस करना है, लेकिन इसमें एक छोटी सी शर्त है। सभी डांसिंग कपल्स को एक न्यूज़पेपर दिया जाएगा और उसी न्यूज़पेपर के ऊपर खुद को बैलेंस करके कपल को डांस करना है और हर एक सॉन्ग के बदलने के साथ ही न्यूज़पेपर को फोल्ड किया जाएगा और ये सिलसिला आखिर तक चलता रहेगा। जो भी कपल उस फोल्ड किए गए न्यूज़पेपर के आखिरी हिस्से तक डांस कर पाएगा बिना डिस्क्वालिफाई हुए, वही सिंपल शब्दों में आज का कपल ऑफ द इवनिंग होगा। इस तरह से कई सारे कपल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ऋतु विवान के साथ डांस करने लगी और खूबसूरत सा एक गाना बजने लगा है। सब लोग हंसते मुस्कुराते हुए एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले डांस करते जा रहे हैं।
फर्स्ट राउंड को सभी कपल्स ने आसानी से पार कर लिया। वहीं जब सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ, सभी न्यूज़पेपर को फोल्ड कर दिया गया और गाना जैसे ही बजा, कुछ ही सेकंड्स में कई सारे कपल न्यूज़पेपर से बाहर चले आए और डिस्क्वालीफाई हो गए। वहीं मुग्धा और मिहिर एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले डांस करते जा रहे हैं। फोर्थ राउंड के होते होते लगभग 3/4 कपल डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। अब गिने चुने सिर्फ 2 कपल ही नजर आ रहे हैं। एक तरफ है ऋतु और विवान तो दूसरी तरफ है मिहिर और मुग्धा। अब टक्कर होगी इन दोनों कपल्स में। अगला राउंड शुरू हुआ। बड़े से न्यूज़पेपर का टुकड़ा इतना ज्यादा छोटा हो गया है कि पैर रखने के लिए वहाँ सिर्फ एक ही जगह बची हुई है। तो क्या होगा आगे कहानी में,